नेपाल में केपी शर्मा ओली की सरकार कल विश्वास प्रस्ताव हासिल नहीं कर पाई। इसके साथ ही वहां राजनीतिक मुश्किलों का दौर भी शुरू हो गया है। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने नई सरकार गठन की संभावनाएं तलाशना शुरू कर दिया है। उन्होंने विपक्षी दलों को सरकार बनाने का न्योता दिया, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें भी रखती हैं। ऐसे में नेपाल को क्या जल्द मिल सकती है नई सरकार, देखिए रिपोर्ट। नेपाल में इस समय राजनीति पारा हाई है। पुष्प कमल दहाल उर्फ प्रचंड और केपी शर्मा ओली की लड़ाई में आखिरकार ओली को अपनी कुर्सी खोनी ही पड़ गई। सोमवार 10 मई को नेपाली संसद के विशेष सत्र में केपी शर्मा ओली ने विश्वास प्रस्ताव पेश किया था। नेपाल के निचले सदन में सांसदों की संख्या 275 है, लेकिन इस समय 4 सीटें खाली हैं। ऐसे में 271 सदस्यों को वोटिंग का अधिकार है और बहुमत का आंकड़ा 136 था, लेकिन ओली के पक्ष में सिर्फ 93 वोट ही पड़े, जबकि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ओली जिसके अध्यक्ष हैं उसके सदस्यों की संख्या 121 है, लेकिन 28 सदस्यों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था, जिस कारण ओली के समर्थन में सिर्फ 93 वोट ही पड़े, जबकि विपक्ष में 124 वोट डाले गए। 15 सदस्य मतदान के दौरान तटस्थ रहे, जबकि कुल 35 सदस्यों ने वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया। विश्वास प्रस्ताव हारने के साथ ही ओली सरकार भी चली गई। इसके बाद नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रचंड गुट और जनता समाज पार्टी ने एकजुट होकर राष्ट्रपति के सामने नई सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की। इसके बाद राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने विपक्षी दलों को नई सरकार बनाने का न्योता दिया है। राष्ट्रपति ने 3 दिन का वक्त देते हुए साफ कर दिया है कि सरकार गठन का दावा करने वाली पार्टी को सदस्यों के हस्ताक्षर युक्त पत्र देना होगा, जिसमें बहुमत का नंबर हो। यानी साफ है कि पहले विपक्ष को किसी एक नाम पर सहमति बनानी होगी, तभी सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। यदि नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, प्रचंड गुट एक साथ आ जाता है तो बहुमत का आंकड़ा आसानी से पूरा हो सकता है, लेकिन इन तीनों ही पार्टियों के बीच नेतृत्व को लेकर आम सहमति बनना बेहद मुश्किल दिख रहा है। ऐसे में नेपाल में नई सरकार बनना बेहद मुश्किल दिख रहा है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि ओली की पार्टी सदन में सबसे बड़ी पार्टी है। ऐसे में 3 दिन बाद राष्ट्रपति की ओर से ओली को ही नई सरकार बनाने का न्योता दिया जा सकता है। नेपाल के संविधान की धारा 76 की उपधारा 2 के मुताबिक गठबंधन की सरकार बनती है और ये फेल होने के बाद संविधान की धारा 76 की उपधारा 3 के मुताबिक सबसे बड़ी पार्टी के नेता की सरकार बनाने का प्रावधान है और इसी नियम का फायदा ओली को मिल सकता है। टीवी लाइव की रिपोर्ट।